भाई फिलहाल मौजूद हूँ डंडोर का। मैं डंडोर गांव के अंदर फिलहाल आज दिन के अंदर इनके घर में फिलहाल काफी सामान चोरी हो चुका है। सुनने में ये भी आई है कि पहले भी इस घर में चोरी हो चुकी है। तो आइए एक बार इनके अंदर चल लेते हैं और पूरा मामला जानते हैं के घर में चोरी होया है। आजा भाई घर अंदर आ जा। किन्ना अपने अंदर तो भाई एक बार अंदर चल के हम आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या से चोरी हुआ है, क्या क्या सामान यहाँ से आगे पीछे पड़ा हुआ। तो देख सकते हो मेरे सामने फिलहाल की बात करें तो फिलहाल अलमारी जैसी थी वैसे की वैसे यहाँ पर खुली पड़ी है। जो भी चोर यहाँ पे आया उन्होंने काफी सामान यहाँ पर चोरी किया है। इनके घर वालों से भी हम एक बार बात करेंगे कि क्या क्या और कुछ मतलब कि कितना। तो देख सकते हो फिलहाल काफी सामान यहाँ पर चोरी हो चुका है। तो एक बार इनके घर वाले से हम बात करते हैं कि क्या क्या और कुछ चोरी हुआ है फिलहाल। जी मैम बताइए अपने घर में क्या क्या चोरी हुआ है फिलहाल। सर मेरे घर में 9,500 रुपया कैश चोरी हुआ है। एक गले का हार है, 5 टुकड़ियों वाला, 4 अंगूठी है सोने की, 2 लेडीज 2 जेंट्स और 4 मेरी चांदी की है अंगूठिया और बाकी सारा सामान भी पायल है मेरी जी और सारा सामान बिखरा पड़ा है। देख लो आप कितना सामान यहाँ पर चोरी हो चुका है। बात करें तो पुलिस प्रशासन यहाँ पे आया है। सर पुलिस प्रशासन आया लेकिन बार बार अंदर घुसे है और इधर पता लगा पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कहा नहीं सर। दूर से हम पहले भी एरिया में या आपके घर में पहले चोरी हुई? नहीं पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है। तो इस वीडियो अभी आप क्या चाहते हो फिलहाल? मैं तो ये चाहती हूँ कि उनको पकड़ो और पकड़ के ऐसे मैं उनको ऐसे फोड़ूंगी ना मैं डंडे के साथ सरेआम। एक बार मेरे सामने आ जाए वो जिसने ये हरकत की है जी। बस गरीब बंदा नरक चुगन जा रहा हो वो बाड़ी चुगन जा रही है घर में आके यार सारा कुछ ही देखे उसका बुहारी देखे बताओ ये कोई बात थोड़ी ना हुई। घर में फिलहाल दिन दौड़े मौजूद था। अरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, स्कूल में गए थे, स्कूल में से आए बाहर का लॉक लगा हुआ था और ये अंदर का लॉक खुला था जी। तो अब वो कहाँ से आए हैं? बाहर तो लॉक लगा हुआ है, बच्चे अंदर आए उन्होंने देखा सारा सामान बिखरा पड़ा है। तो घर में आपके घर की बात करें तो घर में फिलहाल उस टाइम कौन कौन मौजूद था फिलहाल? सर घर में उस टाइम कोई नहीं था, बच्चे आए स्कूल में से 1:30-2 बजे आए हैं, उन्होंने बार वाला लॉक खोला है, अंदर आए अंदर देखा है तो अंदर के लॉक खुले हुए थे, सामान बिखरा पड़ा है अलमारी का सारा। फिर वो बड़ा लड़का मेरा रोता हुआ मुझे बुलाने आया, मैं कपास में गई हुई थी, मैं वहां से भागी और घर आके देखा तो मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ ले गए उठा के। तो आप किस टाइम घर पे आए थे? मैं तो आ गई थी 2 बजे तक आ गई थी घर पे, 2:15 बजे तक इनको लेके हम कपास में गए हुए थे, वो लड़का आया बुलाने और मैं तुरंत आ गई उसी टाइम ही और मैंने देखा है अलमारी को तो कुछ भी नहीं है उसमें, मेरा मेरी सारी जिंदगी की सारी जमा पूंजी गई मेरी। बस मेरी यही मांग है कि जल्द से जल्द पकड़ो और मेरे सामने लाओ मेरे साले को, उसकी मैं ऐसी हालत करूंगी ना सब देखेंगे, वो दोबारा किसी के घर ऐसा नहीं करेगा। तो भाई फिलहाल डंडूर का बड़ा मामला आ चुका है, घर में काफी सामान चोरी हो चुका है। हमने आपको अभी दिखाया था कि क्या क्या घर में चोरी है और घर वालों ने बताया कि कितना सामान चोरी हुआ है। तो देख सकते हो फिलहाल मेरे सामने आप कितना सामान यहाँ पर चोरी हो चुका है, सारी चीज यहाँ पर खुली पड़ी है, चोरों ने काफी शातिर से अंदर घुसे हैं और काफी सामान यहाँ पर चोरी किया है। तो देख सकते हो फिलहाल डंडूर से हम फिलहाल आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं। मैं गुरु हिसार, आप देख रहे हो ANH 1000 न्यूज हरियाणा। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि किसी के घर में दोबारा चोरी ना हो। तो आप घर वालों की हालत देख सकते हो, पूरी जितनी कमाई थी जिंदगी की वो सारी कमाई चोरों ने चोर ली है फिलहाल। तो पुलिस प्रशासन से अभी आप क्या चाहते हो? जी क्या चाहते हैं भाई? उनको पकड़ो जल्द से जल्द और बाकी इंसाफ दिलाए भाई। बच्चे ये गरीब आदमी है, कितने सालों से कमा कमा के और बेचारों ने एक एक पैसा जोड़ के वो करा है। पुलिस प्रशासन आओ और देख के यार चले जाओ और कोई इंसाफ ही ना मिले। हर जगह यही हो रहा है, किसी के 3,000 लेके किसी के 2,000 लेके, बुढ़े बंदों के ये नहीं छोड़ते वो, इस गांव में तो यही हो रहा है। तो भाई फिलहाल आप देख सकते हो एक बार चोरी हो चुकी है, पहले की बात करो पहले भी और कोई यहां पर चोरी हुई होगी।
तो फिलहाल आपको हम लाइव अपडेट दे रहे हैं हिसार के डंडूर गांव से। काफी सामान आपको हमने दिखाया, काफी सामान अंदर से चोरी हो चुका है। तो भाई एक बार घर दिखा दे कैमरा मैन भाई, यो इनका घर है डंडूर गांव, डंडूर गांव में है गुरुद्वारा के बैक साइड में। पुलिस प्रशासन अभी जुट चुकी है उनको ढूंढने में, और पुलिस प्रशासन से यही मांग चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द पकड़े और क्या मामला और सामने आता है कि चोरों ने पहले भी कहीं और भी चोरी की है या और कुछ भी मामला उनके साथ सामने आता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर घर तक ये वीडियो पहुँचाए कि किसी के घर में सामान चोरी ना हो किसी प्रकार का भी। तो मैं गुरु हिसार, आप देख रहे हो ANH आधार न्यूज हरियाणा। धन्यवाद।